I was going through the comments and I got a very special comment about from Mr. Angad Yadav. Angad Yadav ने comment की थी कि body language के ऊपर कोई video बनाइए जो काफी interesting हो. मतलब ये interesting वाला part उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको body language के ऊपर बताऊं, आपको body language आपकी कैसी होनी चाहिए. This is really very important. ये बहुत ज़्यादा important है in public speaking में, alright, in communication skill, in personality development. Body language always plays a vital role and mandatory role. गाइज, सबसे पहले आप जब भी देखिए, जब आप स्पीकिंग की बात करते हैं तो स्पीकिंग में आपका चार कम्युनिकेशन में चार पार्ट्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन. तो वर्बल कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं. चाहे हमारा गुस्सा हो, चाहे हमारी इरिटेशन हो, चाहे हमारा जो है कि हमारी सैडनेस दुख हो, चाहे हमारी खुशी हो, चाहे हमारा जो है कि एक तरह से घमंड हो, हमारा एटीट्यूड हो, हमारी पोलाइटनेस हो, हमारी नम्रता हो, हमारी दीवानगी हो, हमारी काइंडनेस हो, हम हर चीज़ को एक अपनी बॉडी लैंग्वेज से ज़रूर सामने वाले को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कर देते हैं. हम अगर बोर फील कर रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हम बोर फील कर रहे हैं. हम अगर एक्साइटेड है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हम एक्साइटेड है. अगर हम बहुत ज़्यादा फनी है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हम फनी है. अगर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग टाइप है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है मोटिवेटिंग है. अगर हम बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, एजुकेटेड है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हम एजुकेटेड है. इसलिए आज बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे. बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से, सर के ऊपर से. अब सर के ऊपर से सबसे पहले क्या होगा कि आपके देखिए दो होंठ हैं, होंठ के साथ साथ आपकी नाक है, आपका माथा है, आपकी आंखें हैं. अब मान लीजिए आपकी आंखें, सामने वाला बोल रहा है इधर, आंखें उधर जा रही है, इसका मतलब आप सामने वाले में इंटरेस्टेड नहीं है. दूसरी चीज, अगर आपका माथा सिकुड़ गया तो इसका मतलब आप कंफ्यूज है, माथा कुछ ऐसे करके ऐसे कर रहा है, तो आप मतलब सोच रहे हैं और होंठ अपना काट रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब आप सामने वाले भाई बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, होंठ को बार बार काट रहे हैं. अगर होंठ पे ऐसे उंगली रख रहे हैं तो सामने वाले से बहुत मुतासिर है, सामने वाले के लिए आपका प्यार है, आपका रोमांस है. होंठ अगर इस तरह से होंठ पे बार बार कर रहे हैं, और होंठ अगर दोनों होंठ अंदर लेके चले गए, ये इसका मतलब किसी चीज में खोए हुए हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से सुन रहे हैं, किसी चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. और ये सारा आपका फेस एक्सप्रेशन हो गया. फेस एक्सप्रेशन के साथ साथ आपका हाथ, आपकी उंगली ऐसी है, आप सीरियस हैं, सोच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके हाथ वहीं पे ऐसे आ गया, आप दुखी हैं, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए. कभी भी पब्लिक में आप बैठो तो आप ऐसा ही तरह से हाथ होत मत करो, और ऐसा ना लगे कि आप बीमार हो, ऐसा ना लगे मलेरिया टाइफाइड और आपको जो है कोरोना पकड़ के बैठा है. तो यू शुड नॉट शो योर सेल्फ लाइक दैट. आप ऐसा अपने आप को मत दिखाओ कि आप बोरिंग हो, ऐसा अपने आप को दिखाओ कि आप फम हो. अब बैठने के ऊपर आता है. सबसे पहले चेयर पर जब हम बैठें तो चेयर पर हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा आगे आके नहीं बैठना है, कि हम बहुत ज़्यादा अभी आगे आके जो है कि हम गिर जाएँ और चेयर हमारी पीछे चले जाए, हमारा कुल्ला उल्ला टूट जाए, खिसक जाए, तो दिक्कत होगी. बहुत ज़्यादा पीछे जाके ऐसे बहुत घमंडी टाइप में नहीं बैठना है, बहुत ऐसे आराम से ऐसे जूते पे जूता चढ़ा के, पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे नहीं बैठना है, बहुत एटीट्यूड में नहीं बैठना है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है. तो जब आप बैठें तो आप एक वेरी अटेंटिव फॉर्म में बैठें, बहुत अटेंशन दे के बैठें. तो जब आप बैठें तो आपका एक हाथ, एक पैर यू नो ऊपर, एक पैर नीचे भी हो सकता है, एक पैर आगे, एक पैर पीछे भी हो सकता है, दोनों पैर बराबर भी हो सकता है, राइट. और दोनों पैर में थोड़ा गैप भी आ सकता है, अगर आप लड़की हैं तो दोनों पैर सटा भी सकती हैं, राइट. ये आपका हो गया. और फिर आपकी आँखें बहुत शार्प होनी चाहिए, आपकी आँखें, आई एम टॉकिंग अबाउट आईज, आपकी आँखें बहुत शार्प होनी चाहिए, आँखों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमेशा पलके झपका के उनको सामने वाले को सुनने की कोशिश करिए. जब आपको सामने वाला बोर कर रहा है तो आप उसको छोड़ करके तुरंत निकल जाइए. लेकिन आप बोर कर रहा है और आप सामने वाले को बार बार ऐसा कुछ इंडिकेट दे रहे हो कि उसकी लाइफ में आप इंटरेस्ट नहीं रखते, उसकी स्टोरी में आप इंटरेस्ट नहीं रखते, तो इसका मतलब कि दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विच यू शुड नॉट डू, जो आपको नहीं करना चाहिए. अब मैं आता हूं पॉइंट. देखिए, जब भी आप बैठो तो आप एक मिडल साइड, मिडल स्पेस ऑफ चेयर बैठो सबसे पहली बात, और सामने वाले को थोड़ा अपना ये चेस्ट आप स्ट्रेट दो, थोड़ा हल्का स्ट्रेट दो, और आपकी निगाहें थोड़ा स्ट्रेट हो और आपकी गर्दन थोड़ा सा स्ट्रेट हो, और फिर आप सामने वाले को इस तरह से सुने. जी सर, हाँ, आप बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, राइट सर. मैंने भी वही सोचा था कि नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है. मैंने सोचा कि हमें ये प्लान जो है करना चाहिए. अब मैं ये बात कर रहा हूँ सामने देख के, आँखों को झपका के, पलके झपका के सामने वाले को देख के, बॉडी स्ट्रेट करके, गर्दन का साइज सही करके. अब मैं यही बात आपके जो सुन रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ, हाँ सर कर लेना चाहिए, सर कर लेना चाहिए, सर कोई बात नहीं है, हाँ सर बहुत इंटरेस्टिंग तो है,
मैं आपकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत बोरिंग बंदा हूँ, मैं आपके मोराल को, मैं आपके मनोबल को, मैं आपके उत्साह को तुरंत मार दूंगा। मेरी बॉडी लैंग्वेज जैसे बीमारी फॉर्म में आई, मैं बीमार दिखा, सामने वाले का मनोबल, सामने वाले का उत्साह पूरी तरह से मर जाएगा। इसलिए जब भी आप बैठो ना, लगे कि कोई बैठा है, लगे कि कोई स्टाइलिश, कोई टाइकून टाइप का, कोई वेरी इफेक्टिव, कोई बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक पर्सनैलिटी वाला बंदा बैठा है, कि सामने वाले आपको जब भी देखे ना, दूर से देखे तो पहचान जाए, मुतासिर हो जाए, यार बंदा कमाल का आ रहा है यार। अगर आप मॉडलिंग करने के लिए गए हो और आपको डेंगू मलेरिया पकड़ा हुआ, आप ऐसे मॉडलिंग में ऐसे चल रहे हो तो फैशन थोड़ी ना हुआ, वो तो आपकी कमजोरी हुई। और आप ऐसे किसी को सुन रहे हो और बिजनेस की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग, आप बात कर रहे हो स्टेज परफॉर्मेंस की, आप बात कर रहे हो मोटिवेशनल स्पीच की, तो ये चीजें आपकी नहीं हो सकती। अब बात करेंगे थोड़ा स्टैंडिंग फॉर्म की। ये हो गया आपका सिटिंग फॉर्म। तो सिटिंग फॉर्म में कभी इस तरह के कुछ भी आप चीजें मत दीजिए जिससे सामने वाले को दिक्कत हो। सामने वाले को हमेशा डायनेमिक आंखों से देखिए। आइए स्टैंडिंग फॉर्म में चलते हैं। देखिए स्टैंडिंग फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जब आप स्टैंड होते हैं, व्हेनेवर यू स्टैंड, तो जब आप स्टैंड होते हैं, व्हेनेवर यू स्टैंड, तो आपका फोकस पूरी तरह से बॉडी का फोकस प्लस फेस का फोकस प्लस आंखों का फोकस। अब जैसे मैं ये कर रहा हूं, अगर मैं कुछ भी इस तरह का कर रहा हूं, अभी मेरा खराब है, मान लीजिए मैं इस तरह से ये कर रहा हूं, ये सारी चीजें कर रहा हूं, किसी को सुनते हुए कर रहा हूं, किसी से बात करते हुए कर रहा हूं, इट इज वेरी बैड, बहुत खराब है। जब भी किसी से कम्युनिकेट करिए, किसी से कन्वर्सेशन करिए, बात करिए, तो इतनी दूरी पर खड़ी हुई, कम से कम हाथ इतनी दूरी पर, और उससे जब भी बात करें तो जैसे मैं आपको कैमरे में देख रहा हूं ना, इसी तरह से आपको देखना है। अरे यार नहीं फरहान भाई, आप नहीं, आप समझे ही नहीं बात ना। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये हाथ है। अब हाथ आप ये देख रहे, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लकीर है, यहाँ पे लाइन है। अब मैं कैसे समझा रहा हूँ, बहुत डायनेमिक स्टाइल से समझा। अब मैं यही चीज दूसरे तरीके से समझाता। यार ये देखो जो हाथ है ना, अरे अरे जो लाइन है, लाइन समझ, हाँ यार लिख लो लाइन समझ। कोई मुझे सही से नहीं सुनेगा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनना है, बहुत ही डायनेमिक बनना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग सेंस करना है, और बहुत ही अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, हैंड जेस्चर्स को इस्तेमाल करना है, और कमर को इस तरह से ऐसे नहीं करना है बात करते हुए, कभी भी कहीं खुजलाना नहीं है, कुछ खुजलाना नहीं है, हाथ को जेब में नहीं डालना है, हाथ को पीछे नहीं करना है, शर्ट पैंट को सही नहीं करना है, बेल्ट को बार बार हिलाना नहीं, सही नहीं करना है, जूते को इस तरह से पैर को खुजलाना नहीं है, सर गाल को खुजलाना नहीं है, अपने मोबाइल को चलाना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, ऊपर देखना नहीं है, नीचे देखना नहीं है, साइड में बार बार देखना नहीं है, आई कांटेक्ट इधर उधर घुमाना नहीं है, खुजलाना नहीं है, सारी चीजें आप हमेशा संभल के रहोगे जब भी किसी से आप बात करोगे। जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करो, जब भी प्रेजेंटेशन दो, तो आप एक डायनेमिक फॉर्म में रहो। आपके पैर की दूरी, बीच की दूरी जो है 1 से 1.5 फीट की दूरी रहेगी, और आप इस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश करो, इस तरह से बोलो कि यस, मान लीजिए मुझे इंट्रोडक्शन देना है, राइट, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर टू टेल यू अबाउट माय सेल्फ, ऑलराइट, हाय गाइस गुड मॉर्निंग, आई एम मोहम्मद अब्दुल्ला एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट इंग्लिश इंपॉर्टेंस, ऑलराइट, मैं इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, मेरा बताने का तरीका क्या, व्हाट्स माय कॉन्सेप्ट ऑफ टेलिंग, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इफ आई मेक माई सेल्फ लूज, अगर मैं अपने आप को लूज कर दिया, पूरा जोर पैर पे डाल दिया और पैर को इधर उधर नचा रहा हूँ, नचा रहा हूँ, नचा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, हाथ को इधर उधर कर रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, बैठ गया जैसे तैसे, पैर फैला दिया ऐसे ऐसे, सो गया, ऐसे बात कर रहा हूँ किसी से, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, मतलब बोरिंग है, फायदा है, कुछ फायदा नहीं, पूरी तरह से आप खुद से कोई इंप्रेस नहीं होगा। दुनिया को जितना ज्यादा आंसू दिखाओगे, दुनिया को जितना ज्यादा आंसू दिखाओगे, दुनिया और रुलाएगी, दुनिया को जितना ज्यादा तड़प दिखाओगे, दुनिया और तड़पाएगी, महबूबा को जितना ज्यादा तड़प दिखाओगे, महबूबा और सताएगी। इसलिए कभी भी जब दुनिया के सामने निकलो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से एक्सप्रेस करो कि आपके इतना डायनेमिक कोई नहीं है, आपके इतना खुशहाल कोई नहीं है, आपके इतना इंटरेस्टिंग कोई नहीं है, आपके इतना इंटरटेनिंग कोई नहीं है, आपके इतना मोटिवेटिंग कोई नहीं है, आपके अंदर इतना एजुकेटेड कोई नहीं, और आपके जैसा कोई इस दुनिया में बंदा और बंदी है ही नहीं। आपको इस तरह से अपने आप को डायनेमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डायनेमिक बना दीजिए अपने आप को, अपने आप को इंटरेस्टिंग बना दीजिए, अपने आप को फॉर्म बना दीजिए, अपने आप को एक्टिव बना दीजिए, अपने आप को हमेशा स्माइलिंग बना दीजिए, अपने आप को सबको खींचने वाला बना दीजिए कि आप अपनी तरफ खींच लें। बदन पतली हो या मोटी हो, बदन दुबली हो या छोटी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। अपनी आंखें, अपना माथा, अपना गाल, अपना हाथ, अपना कान, अपना चेहरा, अपनी बॉडी, अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉकिंग स्टाइल, बॉडी का स्टाइल आप इस तरह से डायनेमिक बना दीजिए कि बहुत ही अच्छा लगे देखने में। जब आप अपने आप को अब जैसे मान लीजिए मैं क्या किया, प्रेजेंटेशन के लिए आया और पैंट सही करने लगा, दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, गलत है।
जब भी स्टेज पे आप जाओ कुछ भी वहां पे ये सब सही हुई मत करो, क्योंकि आपका कोई बेल्ट देखने वही नहीं, वहां नहीं आया कोई, आपका पैंट खिसकाने नहीं आया, पैंट पहले से सही करके आओ, बेल्ट पहले से सही करके आओ। व्हेनेवर यू रिप्रेजेंट, जब भी आप रिप्रेजेंट करो तो रिप्रेजेंट इन दैट फॉर्म, इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि योर वर्ड्स मैटर, आपके शब्द मैटर करते हैं, योर टॉक्स मैटर, आपकी बातें मैटर करती है, योर बॉडी लैंग्वेज कैन गाइड, कैन मोटिवेट, कैन एजुकेट, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से है कि सामने वाले के लिए और आसानी हो जाए समझने में, और आसानी हो जाए आपकी बात को कैच करने में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाथ का बड़ा कमाल है, चेहरे का बड़ा कमाल है, आंखों का बड़ा कमाल है, गर्दन का बड़ा कमाल है, पैर का बड़ा कमाल है, बॉडी का मूवमेंट का बड़ा कमाल है। बॉडी को जैसे ज्यादा लूज बनाए वैसे गड़बड़ो, बॉडी को ऐसे किए लूज, 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 बॉडी को हाथ में डाले हाथ लूज 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 लूज, ये सारी चीजें नहीं करनी, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही डायनेमिक करना है। ऑल द बेस्ट, मेरे ख्याल से आपको समझ में